नमस्कार दोस्तों जैसा कि कल ही नोटिस आ गया था जो कैटेगरी नंबर तीन दस उन्नीस चार बीस तेरह एडवर्टाइजमेंट नंबर पंद्रह दो हज़ार उन्नीस है इसके जो एडमिट कार्ड है वो जनवरी नौ आफ्टरनून के अंदर अपलोड कर दिया गया यानी कि कल की डेट में आपके बारह बजे के बाद जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिए जाएंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जिन लोगों ने अपनी एग्ज़ाम की जो सिटी पता नहीं कर पाए थे लॉगिन नहीं हो रहा था रह रहा था तो वो लोग भी अपना एडमिट कार्ड कल डाउनलोड कर लेना वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है इसके अलावा दोस्तों तो आपको एक चीज़ बताता हूँ हमारे सामने एक चीज़ आई है जो स्टाफ नर्स के लिए है कैटेगरी नंबर दस और जो उन्नीस है उसका एग्जाम अलग अलग हो सकता है जैसे कि हमारे साथ एक कैंडिडेट ने अपनी डिटेल्स शेयर की थी उन्होंने बताया कि आप लोगों को पहले मैं दिखा देता हूँ ये देखिएगा जैसे एक कैंडिडेट है इसने कैटेगरी नंबर दस और उन्नीस यानी कि दस के अंदर पंद्रह सौ चौरासी वैकेंसी थी और जो उन्नीस है कैटेगरी नंबर उसके अंदर चौबीस वैकेंसी थी तो इन दोनों के सेंटर अलग अलग आए हुए हैं उसके कुरुक्षेत्र और करनाल तो मे बी आपका एग्ज़ाम अलग अलग हो सकता है यानी कि दोनों एग्ज़ाम में से आप एक एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर इसके अंदर थोड़ा एरर या कुछ गलती के वजह से हो सकता है कई बार होता है हैचस्सी की साइड के ऊपर ये चीज़ें एरर हो जाती हैं कुछ गलतियाँ हो जाती हैं बाकी हो भी सकता है अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो अगर कुरुक्षेत्र और करनाल आएगा तो एग्जाम तो सेम टाइम में है और आपके जो एडमिट कार्ड है वो अलग अलग आएंगे यानी कि आप एक ही एग्जाम इसमें से दे पाओगे ओके ये डिटेल आप लोगों को बताने दिए ओके थैंक यू सो मच